हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती है? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे कोई भी हम 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में ये पढ़ चुके हैं, जो एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी होगा। बट यहाँ पे जो है मोर देन वन वेरिएबल सॉल्व करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी है। और यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे एक से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इक्वेशन होंगे, और एक से ज़्यादा क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने ले लिया a11x1 प्लस a12x2 प्लस एंड सो वन प्लस a1n xn = b1 मान लिया हमने। और यहाँ पे a21x1 प्लस a22x2 प्लस एंड सो वन क्या हो जाएगा, a2n xn = b2। और यहाँ से a31x1 प्लस a32x2 प्लस एंड शो ऑन प्लस a3n xn = b3। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, an1 xn प्लस an2x2 प्लस एंड शो ऑन क्या, ann xn = bn। अब इसको हम जो है किसमें लिख लेते हैं, मैट्रिक्स में। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंटेशन, ये तो इक्वेशन है। ऐसे सॉल्व करना हमारे लिए इजी नहीं होगा, हमने मैट्रिक्स पढ़ रखा है, इसीलिए इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स। अब इसको हम मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, ए मैट्रिक्स बन के तैयार होगी, कोफिशियंट होगी x1 x2 सारे के सारे क्या होंगे, कोफिशियंट। ए को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोफिशियंट मैट्रिक्स। ए जी कुछ तो क्या है, कोफिशियंट मैट्रिक्स, कोफिशियंट मैट्रिक्स है। और ये क्या है, ए ए हमारी कोफिशियंट मैट्रिक्स है। और ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की, एक्स की और बी की। ए इज इक्वल टू a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n a21 a22 a23 एंड सो ऑन a2n a31 a32 a33 एंड सो ऑन a3n। सिमिलरली an1 an2 an3 एंड सो ऑन ann, कितने क्रॉस कितने की, n क्रॉस n की। ए मैट्रिक्स हमारी ये बन के तैयार हो जाएगी। और जो हमारी एक्स होगी वो क्या हो जाएगी, x1 x2 यहाँ पे कहाँ तक, xn तक, n क्रॉस 1 की। और जो हमारी मैट्रिक्स बी बन के तैयार हो जाएगी, बी इक्वल्स टू क्या होगा, b1 b2 एंड सो वन bn, जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं ये चीज़, ये हमारी बी है। दैट मीन्स ये टोटल सिस्टम हमारा कंप्लीट क्या बन के तैयार हो गया, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। इस सिस्टम को इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, और मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, जहाँ पे बी क्या हो जाएगा, अगर नॉन जीरो है, बी की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। दैट मीन्स ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम यहाँ पे केस बना देते हैं, जब बी इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी नॉन जीरो होगा तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस।
अगर एक्स इजक्वल्स टू बी, बी इजक्वल्स टू जीरो मीन्स राइट हैंड साइड जीरो, या फिर हम ये बोल दें एक्स इजक्वल्स टू जीरो, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। और अगर एक्स इजक्वल्स टू बी, जहाँ पे बी नॉन जीरो होगा, तो उस केस में जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा क्या बन के तैयार होगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो चलिए अब यहाँ से करते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कब क्या होगा, तो हम इसे यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और फिर नो सोल्यूशन बोलेंगे। तो चलिए देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस पे डिस्कस करेंगे किस केस में इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, किस केस में इसके पास नो सोल्यूशन होगा, किस केस में ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो देखिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके पहले हम क्या सीख लेते हैं, आर्गुमेंट ए आर्गुमेंटेड बी, ए आर्गुमेंटेड बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर्गुमेंटेड बी। ए आर्गुमेंटेड बी का मतलब जैसे मान लीजिए क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल्स टू वन, थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल्स टू टू। अब यहाँ पे ए आर्गुमेंटेड बी लिखना है, ए आर्गुमेंटेड ए की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, टू थ्री, थ्री टू, फोर फाइव, और यहाँ पे बी जो है हमारा क्या मिलेगा, वन और टू। अब यहाँ पे ए आर्गुमेंटेड बी लिखना है, ए आर्गुमेंटेड बी इसको कैसे लिखेंगे, टू थ्री फोर, थ्री टू फाइव, यहाँ पे ऐसे क्या लिख देंगे, इसके एलिमेंटों को लिख देंगे वन टू। ये हमारी ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है। अब चलिए यहाँ पे स्टडी करते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में यहाँ पे टू टाइप है, टू टाइप में पहले क्या हो जाएगा, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाए किसके, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के। अगर मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल है, तो उस केस में जो हमारा सिस्टम होगा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होगा, दैट मीन्स इट हैज सोल्यूशन, इसके पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा, इसके पास सोल्यूशन होगा। और सेकंड इसका ये हो सकता है कि जो रैंक ऑफ ए है वो इक्वल नहीं होगा किसके, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, ए आर्गुमेंटेड जो बी मैट्रिक्स होगी उसकी जो रैंक होगी वो रैंक ए के इक्वल नहीं होगी। इस केस में जो हमारा सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा, तो इस केस में इसके पास कोई भी सलूशन नहीं होगा। इसका मतलब दैट इज इट हैज नो सलूशन, इसके पास कोई सलूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब हमारा रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल नहीं होगा। और कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारे मैट्रिक्स की रैंक रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में कंसिस्टेंट हो जाएगा और उसके पास सोल्यूशन भी एग्जिस्ट होगा। अब नो कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो इस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे, इसके पास सोल्यूशन होगा। तो अब बात आ जाती है इसके पास यूनिक सोल्यूशन कब होगा और इसके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कब होगा। तो चलिए इसको भी टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में क्या हो जाएगा, जब हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, इसकी जो रैंक है इसके इक्वल हो जाए, और वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, मान लीजिए
नंबर ऑफ वेरिएबल ए जो है हमारी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे वेरिएबल कितने हो जाएंगे एन। यहाँ पे अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, और वो किसके इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो, तो इस केस में जो सिस्टम का होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट होगा, यूनिक सोल्यूशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जब रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के, और ये इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल के। और फिर अगर रैंक ऑफ ए इक्वल हो किसके, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के, और ये जो है लेस देन हो हमारा किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो इस केस में हमारा सिस्टम हैज क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। देन इट हैज इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल दीजिए या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बोल दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, ये टू पार्ट में ब्रेक हुआ, किसके ऊपर, रैंक ए और रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के ऊपर। अगर रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके पास सोल्यूशन भी होगा, और रैंक ए अगर इक्वल नहीं होगा रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के, तो उस केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे इसके पास सोल्यूशन होगा, अब बात आ जाती है कौन सा सोल्यूशन होगा, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब मैट्रिक्स की रैंक और उसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो किसके हो इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाए। उस केस में जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसका क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, और रैंक ए इक्वल हो जाए रैंक ए आर्गुमेंटेड बी, और वो लेस देन हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो उस केस में जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। और जब यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे इसके आगे जाने की कोई बात ही नहीं है। जैसे कोई कह दिया जाए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ, बड़े ध्यान से समझना है, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट नहीं है। कोई अगर पर्सन आए और ये बोले कि जो सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और वो क्या है, कंसिस्टेंट है, देन इट हैज यूनिक सोल्यूशन, जी नहीं, ये तो दो ब्रांच में टूटा हुआ है, या तो इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। मींस कोई ये कहे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन इट मस्ट हैव यूनिक सोल्यूशन, मस्ट हैव यूनिक सोल्यूशन, जी नहीं, इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन कहने की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। एक ऐसा एग्जांपल लेके आएंगे जहाँ से हम इनफाइनाइट सोल्यूशन दिखा देंगे। और जैसे कोई पर्सन ये कहे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, तब भी वो गलत बोल रहा है, क्योंकि उसके पास यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है। अगर कोई ये कहे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, देन इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, हाँ यूनिक सोल्यूशन है मीन्स वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर कोई ये भी बोले ये इफ आ नॉन होमोजीनियस सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देन द सिस्टम मस्ट बी कंसिस्टेंट, यस, और वो भी सही बोल रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों पर्सन जो लास्ट में बोले थे वो क्या है, सही है, मीन्स यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, ठीक है, बट जब कंसिस्टेंट है तो उसके पास या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड।